यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मुझे इस विषय की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वर्तमान में दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। लोगों को प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। देखा जाए तो 1.5 दशक से औद्योगिकीकरण हो रहा है, ऐसा लोगों की सोच है कि परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन अगर प्रकृति को छेड़छाड़ कर अगर हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, तो यह विकास नहीं है, क्योंकि परिवर्तन एक ऐसी शक्ति है जो हमें दिखलाई पड़ रही है। चीन में बाढ़ की स्थिति है, यूरोप में भी बाढ़ की विभीषिका है। जैसा कि बताया जा रहा है कि अमेरिका में सूखा पड़ रहा है और कई स्थानों पर आग लगी हुई है, यह विकास नहीं है। भारतवर्ष में भी देखा गया, फरवरी में चमोली में भी एक ऐसी घटना घटी जो भारतवर्ष को झकझोर कर रख दिया। महाराष्ट्र में भी बाढ़ की स्थिति है, भारतवर्ष में और भी अन्य राज्य हैं जहां जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बाढ़ की स्थिति है। अगर हम सभी प्रकृति को सही ढंग से नहीं रखेंगे तो आने वाला समय हम सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। सिर्फ औद्योगिकीकरण कर विकास कर लेना ही विकास नहीं कहलाएगा। और लोगों की यह राय है, सरकार की यह राय है कि जीडीपी में वृद्धि हुई है, यह विकास है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रकृति का विनाश कर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अनेक चुनौती दिखलाई पड़ती है। आज देखा जाए तो पिछले 1.5-2 वर्ष से विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। जैसा कि बताया जा रहा है कि तीसरी लहर अभी बाकी है, 2 लहर विश्व को झकझोर कर रख दिया। वैज्ञानिक इसके लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहा है कि किसी तरह इस बीमारी को, महामारी को नियंत्रित किया जाए। हालांकि कुछ हद तक नियंत्रण हुआ है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि अभी पूर्ण रूप से इस पर नियंत्रित करना मुश्किल है। यह सब बात अगर हम सोचें तो निश्चित रूप से हमारे सामने बात आएगी कि हम प्रकृति को छेड़छाड़ करते हैं, अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिए जंगलों को काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, जिससे विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हम सभी अनेक बीमारियों का सामना कर रहे हैं।
अगर इस पर नियंत्रण नहीं होगा तो आने वाला समय में काफ़ी परेशानी होगी। ज़रूरी है विकास करना, लेकिन प्रकृति को इस तरह से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन प्राप्त करना कितना मुश्किल हो गया है। इस बात को हम सभी को सोचना होगा। अगर जंगलों की कटाई करते हैं, पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, तो उससे अधिक मात्रा में जंगल लगाना, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, जिससे वातावरण शुद्ध हो सकता है। आज तेज़ी से औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिसके कारण हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। इसके लिए भी हमें सोचना होगा कि किस तरह से वातावरण को सही किया जा सकता है। आज विश्व में गाड़ियों की संख्या अधिक हो गई है, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल की खपत अधिक हो गई है, और इसके कारण वातावरण प्रभावित हुआ है। हम सभी को सोचना होगा और प्रकृति को बचाना होगा, तभी हम सभी सही ढंग से रह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।